आपको जब जब लगेगा कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको तब तब झटका दे देता है। नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। इन दिनों बिहार में बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है। सत्ता में हुए बदलाव के बाद बिहार के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। तमाम गणितों में इस वक्त बिहार उलझा है। अभी अभी सरकार के रूप में बदलाव हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात ये कि इससे चिंतित ना तो सरकार में शामिल होने वाले लोग हैं और ना ही सरकार से बाहर होने वाले लोग। सबसे ज्यादा चिंता में बिहार की जनता है, जिनका भले ही राजनीति में कोई योगदान नहीं है, लेकिन बिहार को संवारना हर बिहारी की जिम्मेदारी है। शायद इसीलिए आज हर एक बिहारी चिंतित है। सरकार बदल गई है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों, जिसमें जाति की लड़ाई सबसे आगे है। सब जानते हैं कि बिहार किस कदर जाति की लड़ाई में अभी भी उलझा हुआ है। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी भले ही बिहार में फिर से आ गई है और वो भविष्य को लेकर के बड़ी बड़ी बातें भी कर रही हो, लेकिन चिंतकों के पास सवालों की झड़ी है। जनता के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वो इस सरकार से चाहती है। सवाल ये कि क्या राजद के सरकार में शामिल होने के बाद कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी? नीतीश जी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर साल भर के लिए कुर्सी पर हैं? केंद्र सरकार अब बिहार पर ध्यान देगा या नहीं, क्योंकि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं है, वो डबल इंजन से सिंगल इंजन पर आ गई है। इसलिए केंद्र का पैसा अब बिहार में आना बंद हो जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन क्या अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? शराब को लेकर के भी बहुत चिंता है, ये खुलेगी या बंद रहेगा? चिंता का सबसे बड़ा विषय मंत्री कौन बन रहा है और किसका पत्ता कट रहा है? ऐसे तमाम सवाल बिहारियों के गली मोहल्ले में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। हर एक बिहारी गली चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे से ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल वर्तमान और भविष्य में उलझे लोगों के बीच प्रदेश अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जो समय ने नियत पर रखा हुआ है, जिसमें किसी भी सरकार का कोई योगदान नहीं। सत्ता की होड़ में विकास का क्या मायने होता है और कौन सा विकास चाहिए? सब कुछ तो ठीक ही है और बेहतर चल रहा है। अब बस बिहार की जनता को ये देखना है कि जो वादे अब किए जा रहे हैं रोजगार, विकास और बेहतरी को लेकर, वो कब तक सच होगा। बहरहाल अब बिहारी न्यूज के साथ बने रहिए।